इंतजार नहीं हो रहा तुम लोगों से क्या? ऐसा लग रहा है बिल्ली की दुम पे किसी ने पैर रखा हो। मुझे सस्ती लग रही है तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ना इसलिए कितने के? 6,500 रुपए। अब पक्का लोगी तुम्हें यहाँ से कुछ? अच्छा कैसा ड्रेस चाहिए भाई? बहुत हसी और यूनिक। मैं सारी करवाऊंगी आप। कभी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज फिर से शूटिंग पे जा रहा हूं मैं, सोचा आज फिर व्लॉग बना लूं। मैं गाड़ी से जल्दी से अपने सामान निकाल लूं। यार आज आया हूँ शूट पे, अब यहाँ से जाऊँगा मैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग ब्लॉग देखना है तो एंड तक देखना ब्लॉग। अभी तो फ़िलहाल अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैं काफ़ी देर से आया था लेकिन मसला ये हुआ कि मैं सीन्स में इतना बिजी हो गया, बिल्कुल मेरा ध्यान ही नहीं गया ब्लॉग पर। तुम क्यों खुश हो रही हो? हैं अफ्तारी देख के खुश हो रही है? मुँह में पानी आ रहा है। अरे अरे तिती बच्चा, अरे तुम तो पागल थी, सही हो गई। वो देखो इधर देखो, तेरे हर व्यू पर देखो, सही होती है। तो नीचे देखो, ये तो सच में पागल है। अरे ड्रामा में तितली आई है। चलो भाई फिलहाल अफ्तारी करते हैं, उसके बाद व्लॉग करते हैं। हैं भाई इंतजार नहीं हो रहा तुम लोगों से क्या? सब्र रखो, रमजान का मतलब है सबर रखना। हैं बाबा साईं, सही बोल रहा हूँ ना? बाबा साईं सबर रखो ना। अ तो तुम रखो ना, तुम इधर बैठे हो ना। ये तो है ना, सामने पड़ा है फिर भी याद नहीं लगाता है, तुमसे बात कर रहा है, देखो ना जिगरा है ना कौन सा पका। बाबा साईं सही बोलता है। ये क्या था बाबा साईं? बाबा साईं ऐसा लग रहा है बिल्ली की दुम पे किसी ने पैर रखा हो। बाबा सही, कहते हैं काली बिल्ली रास्ता रोक ले तो अब शगुन होता है। और काला बिल्ला काट ले तो बताओ अब फिर तो बद शगुन होता है। यार अफ्तारी की बात आ जाती है मुझे शदीद किस्म वाली नींद, दिल कर रहा है मैं सो जाऊं, वहाँ शूट चल रहा है यहाँ मैं सो जाऊं। सुबह ही पैकअप के सीन्स ऑन है, मैं बस निकलने वाला हूँ। आज मैंने इनको बोला है कि भाई जल्दी पैकअप करवाओ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मुझे जाना है शॉपिंग पे, ईद की तैयारियां उरूज पर। मेरी गाड़ी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, अच्छा मुझे किसी ने सलाम नहीं किया, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद अभी आई नहीं है। अरे इससे कुछ याद आया? नहीं 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 नहीं, वो दिन गुजर गए। क्यों आप एजेड हो गए? मैं एजेड नहीं हुआ। फिर तुम बड़ी हो गई हो। नहीं मैं तो बच्ची हूँ अभी तक, मुझे बैठना है। आराम से देखिए बाइक आ रही है और आपको ध्यान से। माइन तुम्हें पता है ईद पे मेरा एक शॉर्ट फिल्म आने वाला है, कॉमेडी शॉर्ट फिल्म। कॉमेडी है बिल्कुल, बहुत मजा आएगा तुम्हें ईद पे। ईद पे बोर नहीं होगी तुम, ईद पे मुझे देख सकोगी। मेरे लिए कोई तो अच्छी चीज आएगी ईद पे। ओ और आप लोगों के लिए भी, आप लोग जरूर देखना। बताओ भाई अभी माइन कहने वाली थी क्या मुझे इसमें बैठना है? ओह बेचारा यार, टूटा फूटा है बेचारा। अरे यार इस जानवर पे भी बहुत जुल्म है। ये सही है लेकिन यार इसके मालिक को बहुत नुकसान हुआ है, अब क्या करें बेचारा। ट्रैफिक वाले जोर शोर से अपने काम कर रहे हैं, ईद का टाइम है, इस टाइम कोई गलती नहीं करना क्योंकि इस टाइम बहुत से सारे ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं, बहुत से ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो चाहते हैं कि कोई गलती करें और हम उनको पकड़ें। तो ये तो करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, ईमानदारी से कर रहे हैं माशाल्लाह। नीरज माहिन कहाँ चली गई? भाई ये माहीन ऐसे वो जो पहाड़ों में बकरे आपसे नहीं भागते, ऐसे ऐसे निकल गई जैसी कपड़े देखी।
तो पागल हो गई। माहिन कहाँ चली गई थी तुम? इनकी जो प्राइस है ना ये मुझे सस्ती लग रही है ना, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि कुछ तो ओ भाई यार ईद सेल है ना इसलिए। ये ड्रेस कितने के? 6500 रुपए का। यार माशाल्लाह जबरदस्त है यार, यार रशगश तो है काफी ज्यादा, शायद ईद सेल की वजह से। ड्रेसेस देखो ना इतने सारे यार, वो मैंने तो बोला यूनिक सी कोई दिखाएं आप, तो वो कह रहे हैं आपको पिक्चर दिखा देते फिर आप कल तक नहीं तो अभी कल वापस तो नहीं आ सकोगी तुम, मैं तो हरगिज नहीं ले आऊंगा तुम्हें। देखो ये देखो ब्लैक वाला मुझे काफी पसंद आया, तुम्हें नहीं अच्छा लगा? ये वाला आप कहां से अच्छा लगा, इतना अकड़ा वाला बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी जो फैन पेजेस होंगी लेके आऊं फॉरन आकर, या आपकी जो फैंस होंगी वो देखेंगे हम यही लेने वासु की पसंद। हां ले लिया आपने? और मैंने अपना ड्रेस ले लिया है। ले लिया इतनी जल्दी? वो तो 10,000 ड्रेसेस चेक कर चुकी है लेकिन अभी भी वो मुझे नहीं लगता लेगी। मैं तो बस कर लेती हूं जो मुझे पसंद। यार ये इस तरह होनी चाहिए लड़कियों को। तुमने देख लिया कुछ पसंद किया? यार वो मुझे यूनिक चाहिए असल में ना। यूनिक? यूनिक बाइक? हां यूनिक बाइक चाहिए इसको। थैंक यू सो मच शफीक, आपने इतना ख्याल रखा अपने आउटलेट पे, थैंक यू सो मच। कोई जवाब तो दो क्या हो गया? अरे यार बहुत नर्वस हो चुका है। फाइनली माहिन को एक ड्रेस पसंद आ गया है 30,000 साल के बाद। अब ये भी इससे भी दिल उठ गया, अब ये पसंद यार इसको तो गंदा नहीं करो माहिन। आंटी वाला तो तुम आंटी नहीं हो? क्या बच्ची हूँ यार, वो किड्स का साइड उस तरफ है, जाओ उधर घूम फिर के। माइन मैं इतना ज्यादा घूम फिर के तुमने कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही निकल रही हूँ। अच्छा ये कोई एक्स्ट्रा साइज बनी हुई है तो तुम्हारे स्मॉल नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अब पक्का लोगी तुम यहाँ से कुछ? मुझे पता है तुम यहाँ से कुछ लोगी। अच्छा ठीक है फिर मम्मा के साथ आना, अल्लाह हाफिज़। बाय 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 टाटा गुड बाय। यूनिक वर्ड सीख लिया इसने, वैसे हर जगह जाके हर शॉप में वही अप्लाई करती है। यूनिक हो। अच्छा कैसा ड्रेस चाहिए माइन? फाइनली शुक्र है अल्लाह का, बहुत जद्दोजहद के बाद। क्या अरे बच्चा बाहर जा रहा है, वाह यार तुमने बच्चे को बचा लिया, उसकी माँ को होश नहीं है और तुमने बचा लिया। ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हूँ जैसे तुमने 3 साल बाद पानी पिया है। सुबह से पानी नहीं पिया मतलब सुबह से तो सुबह नहीं पीते ना, रमजान में सुबह पानी कौन पीता है? तुम सुबह पानी पीती हो रमजान में? ये कहती है ये पीती है यार, तुम मुंह क्यों लगा रही हो? तो क्या हाथ लगाए क्या? रात के 3 बजने वाले हैं और इसको अब भी कहती है कि घूमना है घूमना है, जाओ घर, तुम्हारा घर है नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हारे पास माशाल्लाह से इतने सारे पीआर पैकेजेस आते हैं, रोज नए ड्रेसेस आते हैं, फिर तुम्हें क्या जरूरत है खुद अपने पैसों से लेने की? यार इतना मुझे फ्री के चक्कर में पड़ने का शौक नहीं है। तो फिर ड्रेसेस लेती ही क्यों हो? अगर लूंगी बाहर से पार्किंग से निकाले, बहुत लेट हो गया भाई, मुझे जाके सहरी भी खुद बनानी पड़ती है, मुझे सहरी जाके खुद बनानी पड़ती है, तुमने मेरा इतना टाइम जाया किया। कभी, मैं सहरी करवाऊंगी। कभी बंदा सहरी बना के भिजवा देता है एक मुसाफिर के पास, हम लोग वहां जाएंगे। खैर तुम अपने लिए नहीं बना सकती, तुम मेरे लिए क्या बनाओगी? मैं इतनी अच्छी चीज बनाऊंगा। अच्छा चलो ऐसे नहीं मानूंगा, कभी तुम मेरे लिए बना के भेज दो अचानक से मुझे, सरप्राइज करो बोलो। वैसे तुम्हारे लिए मैं खाने को कुछ भिजवा रही हूँ, खाने को खाने को खाने को पाँच सौ में अपने लिए देखो। आपके देखा ना? ओ भाई 500 हो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, 500 का या 1,000 का, जरूरत जब पूरी हो जिस हद तक इंसान बोले कि भाई हाँ सही है काफी है। अब ये नहीं देखूं कि भाई इसका प्राइस कम है तो क्यों लूं। प्रैंक किया मैंने इसके साथ, लोगों को
पता तो चले मैंने किया क्या है। ये किया था अचानक से, माहिन डर गई। मैं प्रैंक कर रहा था, अचानक बराबर में ट्रैफिक पुलिस वाले गुजरे। मेरा बदला फौरन, मुझे पता है क्या याद आ गया, वो एक मीम है, अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। यार ये बेचारे कैसे सो रहे हैं माहिन, अरे यार नहीं मजाक के अलावा यार, ये मजाक की बात नहीं है यार, ये मजाक की बात नहीं है, मैंने मजाक करा, ये सीरियस टॉपिक है यार। देखो फैमिली है उनके और बच्चे, देखो ओहो हमें चाहिए, हम इनकी मदद करें। वो देखिए पूरी ये लाइन पूरी वहां तक फैली है। अरे यार घर नहीं है यार, अल्लाह का लाख 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 शुक्र अदा करना चाहिए हमें, और जब हम नाशुक्री करते हैं ना तो तब हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि यार ये भी इंसान है। भाई मेरा भाई हमारा खाना आ गया, एक मिनट ये अलग स्लो मोशन बनो।